साथियों नमस्कार। आज कान के दर्द की एक रामबाड़ी औषधि बताना चाहते हैं जिसके लक्षण निम्न हैं। कान में दर्द का होना, हल्का खुजली होना, कान का बहना, मेवाद निकलना, पानी निकलना, अत्यधिक बदबू देना, पर्दे में सुराख हो जाना, सुनाई कम पड़ना, कान में हल्का साई साई झंझनाहट रहना, कान में भारीपन रहना, सुबह शाम अधिकतर ज़्यादा दर्द होना और सामाजिक रूप से अच्छा न लगना। इन समस्त समस्याओं को एक औषधि के माध्यम से सही कर समाप्त किया जा सकता है। मित्रों सावधानी, ध्यान रहे, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को यह औषधि प्रयोग नहीं करनी है, क्योंकि प्रयोग करने की विधि में कोई दिक्कत करते हैं तो असुविधा हो जाती है। मित्रों जिस औषधि का नाम है मेरी गोल्ड यानी गेंदा, गेंदा का फूल, जो जैसा कि सभी जानते हैं शादी विवाहों में, शुभ कार्यों में, प्रतिष्ठित एवं सम्मानित स्थानों में इसको सम्मान देने के लिए माला के रूप में प्रयोग किया जाता है। मित्रों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसी देसी गेंदे की पत्ती को आपको तोड़ना है, हरी भरी पत्ती को। इस पत्ती को हथेली में रख कर तेज दबाव से रगड़ना है और रगड़ने के बाद जैसा कि प्याज में रस निकलता है ऐसे इस पत्ती से जो रस निकले उसको आप चम्मच में ले सकते हैं, ड्राप में या डापर में ले सकते हैं और कान के मरीज के कान के बाहर का मुंह गर्म पानी से साफ करते हुए इस केले की पत्ती के अर्क को, सॉरी गेंदा की पत्ती को अर्क को 3 से 4 बूंद एक कान में आपको डाल देना है और डालने के बाद आपको 3 मिनट तक कान को पलटना नहीं है, उसी दिशा में रखना है और उसके बाद पुनः 3 से 4 मिनट के बाद आपको दूसरे कान में भी डाल देना है जिस कान में यह समस्या रहे दर्द और बहने की। यह क्रिया दिन में 3 बार करनी है, आपको बहुत आराम मिलेगा। कान से जो मेवाद निकल रही है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी, कान बहना बंद हो जाएगा, सनसनाहट बंद हो जाएगी, जो सुनाई कम पड़ रहा है उसमें सुधार आएगा और जो दर्द है दर्द भी कम हो जाएगा। अब आपको 2 से 3 दिन में सुधार हो जाएगा और इस समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और लोग जो इस कान के दर्द से परेशान हैं इस रोग से इस औषधि के माध्यम से निजात मिल सके। धन्यवाद।